बहनों और भाइयों, कार्य करने के लिए नेक नियत चाहिए, सरकार की स्पष्ट नीति चाहिए, कार्य करने का एक जज्बा होना चाहिए, चुनौतियों से सम और विषम परिस्थितियों में लड़ने का, आगे बढ़ने का एक जज्बा होना चाहिए। याद करिए, आपने 7.5 वर्ष में कहीं दंगे का नाम सुना है क्या? कहीं दंगा हुआ है क्या? और कोई दंगा कर पाएगा क्या? दंगा करने की कीमत क्या होगी है? ये उल्टे पोस्टर जब टंगेंगे ना शहर शहर में, और फिर उनसे वसूली होगी 7 पीढ़ियों तक की, ये सारी संपत्ति वसूली होगी। अच्छे अच्छे दंगाई दंगा करना भूल गए हैं, अच्छे खासे जो पहले माफिया सत्ता को संचालित करते थे, इस समाजवादी पार्टी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को जो माफिया संचालित करते थे, उन माफियाओं की पैंट गीली होती हुई भी आप लोगों ने देखी होगी, कैसे गिड़गिड़ाते थे। बहनों और भाइयों, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन नहीं जाना है। जब एक बार कह दिया तो हो करके रहेगा, और यह कह करके पूरा रामायण काल आज हमारे लिए आदर्श बना है। गांव गांव में रामलीलाएं होती है, इसके पीछे एक कारण है, वो मर्यादाएं थी, वो अनुशासन था। याद रखना, हजारों वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जो श्री हरि विष्णु जी के एक अवतार थे, वे जब श्रीलंका में माता सीता को की खोज के लिए निकले थे, तो तमिलनाडु वह स्थान था जहां पर श्री रामेश्वरम के पवित्र स्थल पर उन्होंने सेतु बंध के निर्माण के पूर्व अपने आराध्य भगवान शिव की प्रगाढ़ आराधना की थी, और शिव की कृपा से सेतु बंध का निर्माण भी होता है। और रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब माता सीता को लेकर के प्रभु राम आ रहे थे, तो माता सीता ने वहां पर आराधना करते हुए इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया था। एक पवित्र आध्यात्मिक संबंधों के साथ जुड़ते हुए उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, संपूर्ण भारत एक है, इस संकल्प के साथ यह आध्यात्मिक परंपरा इन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मानबिंदुओं की स्थापना करते हुए आगे बढ़ रही है। भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, हर कालखंड में सांस्कृतिक रूप से एक रहा है, एक रहा है। हमारा वैदिक साहित्य इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है, हमारा शास्त्र इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भारत की संतों की परंपरा और हमारे धर्मस्थल इन बातों के प्रमाण हैं। हमने किसी भी कालखंड में सरकारें अलग अलग रही हों, लेकिन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता को कहीं भी खंडित नहीं होने दी। और यह इसलिए क्योंकि भारत की ऋषि परंपरा ने, भारत के संतों की परंपरा ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से इसे पूरी मजबूती प्रदान की है।